केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद तबाही मची। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच शनिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने गृह राज्य केरल के वायनाड का दौरा किया। वायनाड दौरे के बाद शशि थरूर ने यात्रा के लिए सोशल मीडिया पर एक बयान दिया, जिस पर बवाल मचा है। दरअसल केरल के तिरुवंतपुरम से लोकसभा सांसद थरूर ने पोस्ट कर कहा, वायनाड में एक यादगार दिन की कुछ यादें। थरूर ने जैसे ही ये पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दुखद घटना के लिए यादगार शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जता दी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री की आलोचना की। मालवीय ने कहा, शशि थरूर के लिए मौतें और आपदाएं यादगार हैं। पोस्ट का बचाव करते हुए थरूर ने कहा, यादगार चीज वह होती है जिसे याद रखने की संभावना होती है। आलोचना का जवाब देते हुए थरूर ने यादगार का अर्थ समझाने की कोशिश की। अपनी अंग्रेजी शब्दावली के लिए चर्चित थरूर को ये कहना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। सभी ट्रोल्स के लिए यादगार की परिभाषा कुछ ऐसा जो यादगार हो, उसे याद रखने लायक हो। अपने दर्शकों को बता दें कि वायनाड के चूरलमाला और मुंडकई में 30 जुलाई को हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार तक 344 हो गई और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ा है। लेकिन शशि थरूर ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर को ट्वीट करने से पहले सोचना समझना चाहिए होता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो क्या शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी और ज़्यादा मुहिम चलाकर कांग्रेस को घेरती नजर आएगी।